देखने और सुनने वाली हर एक सोल को फ्री सोल ओंकार मटू की तरफ से नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सच्चे रब से दुआ है कि आप सब तंदुरुस्त रहें। और सुनाइए जी, राजस्थान टूर पे हैं हम। तो राजस्थान में अब हम पहुँचे हैं जी अलवर में। अलवर जो था सालवा ट्राइब यहाँ पे था पहले, तो ये 16 जो महाजनपद से उनमें से भी मत्स्या करके एक जनपद था, तो वो इसका हिस्सा था अलवर। तो ये सारा पुराना हिस्ट्री है जी। इसको पहले निकुंभ राजपूत यहाँ पे हुए हैं, उसके बाद अलवान खान मेवाती करके उसने जीत लिया, फिर ये जाट राजा भरतपुरिया जाट राजा के पास रहा, फिर अलवर स्टेट रहा अलग मुग़लों के अंडर, फिर उसके बाद ये अलग अलग जैसे ब्रिटिश कंट्रोल में रहा। तो ये मेनली राजपूतों का, गुर्जरों का, जाटों का एरिया है जो पहले से। यहाँ पे देखने वाला जो बाला फोर्ट है, एक सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, यहाँ पे टाइगर रिज़र्व प्रोजेक्ट के अंडर भी सक्सेसफुली रीलोकेट किए गए हैं टाइगर रिज़र्व में, और एक सिल्ली सेड करके लेक है। तो ये सब चीज़ें हम अलवर में देखेंगे, तो आप बने रहिए ओंकार मटू फ्री सोल के साथ। साथियों, ये है सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट करके, सरिस्का टाइगर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है जी, जो कि ये गेट हैं। अब इसके अंदर हम जाएंगे। यहाँ पे एक्चुअली बाइक की जो टिकट है वो 45 की है, और जीप कार मिनी बस की 340 की, बस की 535 की है। ये सारा एरिया है ये अलवर से अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर पे है, और ये अलवर स्टेट का पार्ट होता था। तो ये ऐसे सफारी जाती हैं यहाँ पे। तो ये सारा है जी सरिस्का नेशनल पार्क, ये ऐसे सफारी जाती हैं यहाँ पे। हम जा रहे हैं जी आपको अपने शिरा पे लेके। तो ये है जी सरिस्का नेशनल पार्क जी, जो कि एक्चुअली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट यहाँ स्टार्ट हुआ था 1978 में, और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जी 1982 में, और 1952 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई। तो ये लेकिन हंटिंग ग्राउंड होती थी अलवर स्टेट की, अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर है दिल्ली से जी। अभी ये स्टार्ट हुआ है, अलग अलग बहुत बड़ा फैला हुआ है जी, ये 771 स्क्वायर किलोमीटर में है जी अप्रोक्सीमेटली जो सारा। तो ये सारे जी टाइगर हैं इधर, वो कह रहे हैं कि हो सकता है टाइगर दिख जाए, हो सकता है ना दिखे। और एक पुराना 10 किलोमीटर इधर राइट पे जाके टेंपल है जी बजरंगबली का, तो वो देखते हैं 10 किलोमीटर तक से आगे। तो ये आप जंगल में है जी, जो कि है सरिस्का नेशनल पार्क, तो टाइगर कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आप तैयार रहना कैमरे में देखने के लिए, जहाँ से भी आया देख लेना। ये देखिए मोर, ये आप एटलीस्ट मोर देख सकते हैं। ये देखिए जी बहुत ही सुंदर मोर है जी, ये देखिए, ये बहुत सुंदर मोर। तो चलो आपको मोर तो दिखा दिए जी, टाइगर भी कभी भी आगे आ जाएगा जी, आप देखते रहिए। तो टाइगर यहाँ पे है जी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो ये टाइगर कभी भी आ जाएगा जी आगे, आप देखते रहना बस। मोर आपको दिखा दिए, अभी और वाइल्ड जानवर आएंगे तो देखेंगे जी। अब यहाँ पे बजरंगबली का बहुत पुराना मंदिर है जी, तो वो भी देखेंगे। आप मेरे साथ हैं जंगल सफारी पे, जो कि है सरिस्का नेशनल पार्क, वहाँ पे हम जा रहे हैं जी। ये देखिए जी इधर घाटियाँ हैं। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है जी, जो कि राजस्थान से ही स्टार्ट होती है, उसी में ये जंगल है और टाइगर रिजर्व पार्क है जी, और नेशनल पार्क भी है, और वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी तो है ही। तो ये सारा आप देख रहे हैं जी, इधर उधर आप देखते रहिए, ये लाइव जंगल में शेरा जा रहा है जी। अभी ढूंढ रहे हैं जी, कोई दिखा नहीं जानवर अभी, ना ही कहीं टाइगर दिख रहा है। पर आप देखते रहना जी, कभी भी छलांग लग सकती है, लेकिन अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है, अभी तक कुछ दिख रहा नहीं जी। इधर उधर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं टाइगर सोया हुआ ही दिख जाए, लेकिन अभी दिख नहीं रहा जी। इधर भी आप जंगल देखिए, ये सारा जंगल है जी, और रोड तो माशाल्लाह बहुत शानदार बनी है जी। वैसे जंगल में हम यही कह सकते हैं कि जंगल में तो सब कुछ रॉ ही दिखेगा जी, रॉ ही मिलेगा प्योर, तो इसलिए रास्ता भी कच्चा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने लायक है, ये बड़ी बात है। शेरा हमारा भागता जा रहा है, और कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा अभी, लेकिन आप नज़रें मत इधर उधर करना, क्योंकि आपने जैसे ही नज़रें इधर उधर की उसी समय टाइगर छलांग लगा सकता है बाइक के आगे और खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहेगा शेरा के सामने, भाग जाएगा। इसलिए आप नज़रें इधर उधर मत करना, कभी भी टाइगर छलांग लगा सकता है। ये कह रहे हैं जी, कृपा वाहन रास्ते में ना रोकें और वहाँ से नीचे ना उतरें। ठीक है जी, आप देख लिया, पढ़ लिया ना जी, आपने सोचा मैं मजाक ही कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ जी, ये बिल्कुल लाइव जंगल है और टाइगर ही टाइगर है यहाँ पे। और वो कह रहे हैं कि रास्ते में गाड़ी रोकने की कोशिश ना करें और ना ही वहाँ से नीचे उतरें, नहीं तो फिर आप पे अगर किसी जानवर ने हमला कर लिया तो हम जिम्मेवार नहीं हैं। तो हम तो हैं भी अकेले जी, शेरा के साथ, एक शेरा ही अपना साथी है जहाँ पे, और तो कोई है नहीं। सो जा रहे हैं, हाँ पांडुपुर टेंपल है जी 11 किलोमीटर पे इधर, और अल्बर जाना, ये इधर फ्रिस्का टाइगर रिसर्च पार्क बनाया हुआ है जी, एक ये मोरनी है जी, मोरनी, तो ये मोरनियाँ घूम रही हैं जी आगे, ये आप देख लीजिए मोरनी जाते हुए। हम जा रहे हैं जी इधर एक पांडुपुर करके टेंपल है बजरंग बली जी का, ये सामने मोर देख लीजिए, ये आप मोर देख लें, आप देख लीजिए मोर आ रहे हैं, अभी कोई एनिमल आ रहा है, ये देखिए जी बहुत सुंदर मोर जी। तो आप जंगल में देख रहे हैं मोर है, वहाँ पे एक तरफ हिरण भी थे, तो ये लाइव जंगल है जी। ये सामने भी मोरनियाँ चली हुई हैं जी, ये आप देख रहे हैं मोरनियाँ सामने, ये देखिए जी बिल्कुल साथ में चली गई हैं, ये इधर देखिए, ये एक मोरनी है जी, ये सारा लेपर्ड का एरिया जी, ये एक मोर सामने है जी, आप बिल्कुल रास्ते में देख रहे हैं, मोरों से भरा हुआ रास्ता है, ये एक मोर ये है सामने आपके, ये इधर चला गया जी अंदर, ये देखिए बहुत ही सुंदर। कुछ लंगूर आए जी फिर आगे, मोर और लंगूर है जी के घूम रहे हैं, ये देखिए बैठे हुए, ये लंगूर हैं जी सारे, ये खा पी रहे हैं, ये इधर इधर सारे लंगूर हैं, ये मोर है जी एक, ये सारे लंगूर बैठे हुए हैं, एक ये है जी, एक ये बैठा है खा रहा है, ये भी इधर भी,
ठंडी हवाएं चल रही हैं जी, जंगल में नज़ारे ही अलग है जी। जिंदगी के इस लाइव जंगल में जानवरों के बीच में बड़ा मज़ा आ रहा है जी। और ये देखिए जी, लंगूर ही लंगूर आ गए हैं, तो ये लंगूर ही लंगूर है जी। और ये देखिए जी, बहुत सुंदर मोर है जी। ये रोड बिल्कुल ही खराब आ गया जरा ज़्यादा ही। तो ये देखिए जी, मोर ही मोर है आगे सामने आप देख रहे हैं। तो ये मोरों से भरा हुआ रास्ता है जी। ये भी बेचारे बाइक की आवाज़ सुन के या इंसान को देख के गायब हो जाते हैं। ये सारे मोर हैं जी। ये देखिए, ये एक और जानवर है। ये छोटे छोटे बच्चे जी मोरों के, ये छोटे छोटे बच्चे जी। ये मोरों के साथ है जी इनके छोटे छोटे बच्चे। ये देखिए, मोर ही मोर है ये। ये उधर जंगली सूर आ रहा है जी आगे एक। ये देखिए, मोर ही मोर है ये मोर इधर। ये एक जंगली सूर है जी, ये देखिए, ये जंगली सूर इधर। और ये एक आ गया जी अपना लंगूर। ये कितने बैठे हुए हैं देखिए, ये इधर भी बैठे हुए हैं सारे। और ये मोरों के बीच में जी, ये मोर हैं सारे। मोरों के बीच में लंगूर बैठे हुए हैं, ये सारे मोर ही मोर। ये देखिए जी, ऐसे बैठे हुए हैं, आराम से सोए हुए हैं। मोर ही मोर हैं जी इधर। ये भी इधर मोरनियाँ घूम रही हैं। ये इंसान की दौड़ ख़त्म नहीं होगी जी, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ जंगल में भी जारी है। सो ये कहानी है इंसान की, उसकी दौड़ ख़त्म नहीं होती, इंसान ख़त्म हो जाता है। ये देखिए जी, पानी नेचुरल आ रहा है ऊपर से। अभी मंदिर ऊपर है जी, सरिस्का टाइगर रिजर्व में पांडुपुर मंदिर, जो कि बालाजी का बहुत ही फेमस मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, अलवर का फेमस मंदिर है महाराज पांडुपोल जी। तो यहीं पे ही बजरंगबली की जो पूंछ थी वो एक्चुअली उन्होंने रखी थी और भीम उठा नहीं पाए थे। तो ये वही मंदिर है जो कि बहुत फेमस मंदिर है और ये बिल्कुल जंगल में आगे आके है। ये मंदिर महाराज पांडुपोल, इसका टाइगर रिजर्व में जंगल में अंदर आके जो कि बजरंगबली का फेमस मंदिर है जी। चलते हैं आगे पड़ाव पे, ये रास्ता है बिल्कुल जंगल में, बहुत सुंदर। ये अलवर के का हिली एरिया है, जंगल है, अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अरावली की पहाड़ियाँ हैं, वो किला है जी ऊपर, वो उस तरफ। ये एंट्री गेट है यहाँ पे, ये सारा ही। और इधर टिकट विंडो है। और ये
ये ऊपर किला है जी, वो उधर किला है ऊपर। तो ये सारा एंट्री गेट है जो कि है बाघ परियोजना सरिस्का अलवर बफर। तो हम जा रहे हैं बाला फोर्ट जो कि ऊपर है जी अलवर में। ये एक्चुअली सरिस्का टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है, तो यहाँ पे एक्चुअली जानवर वगैरह बहुत हैं और टाइगर भी हैं दो मेनली। तो ये यहाँ पे एक्चुअली बीच में रोकना अलाउ नहीं है। तो चलते हैं जी ऊपर। तो ये है जी बाला किला जिसका कि रिस्टोरेशन का काम चल रहा है मेनली। तो ये यहाँ पे ये पुरानी तोप वगैरह है, एक तोप ये है, ये राजस्थान प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है जी। तो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है यहाँ पे, ये रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। तो यही है जी बाला फोर्ट, इसका रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। अब ये कंप्लीट होगा जो प्रोजेक्ट है। तो ये सारा है, ये तोप है जी इधर पुरानी रखी हुई, अगर आप देखेंगे। ये तोप है और ये एक मंदिर है, ये तोप है, ये तोप है जी, ये एक प्राचीन मंदिर है जो पुराना है इधर बाला फोर्ट में, पहले से जो राजे हैं। आप रोहित है जी इधर? अच्छा आप, अच्छा अच्छा अच्छा, आपका पहले से, आपका क्या नाम है? मेरा तो गायत्री है। अच्छा अच्छा, तो आपकी पहले से पीढ़ी इधर पीढ़ी आप पुरोहित हो? अच्छा ठीक है। तो ये पुराना मंदिर है जी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुरोहित है मैडम। ये यहाँ के राजा जो अलवर स्टेट के थे उनकी कुलदेवी है जी। ये नीलम के हैं श्री भगवान राम और सीता जी का। इधर भैरव बाबा है जी। ये भैरव बाबा है? हाँ जी भैरव है, ये बाबा भैरव है जी इधर। और ये माता, ये हाँ, ये काफी पुराना मंदिर है जो राजाओं का, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही पुरोहित हैं यहाँ पे ये। ठीक है जी, ये इधर सांबर बैठे हैं जी। ये वैसे तो इंसान से डरते हैं लेकिन विश्वास बनाने में टाइम लगता है, तो शायद विश्वास बन गया हो तभी ये बैठे हैं इधर। तो मेनली इधर सांबर वगैरह नील गाय और टाइगर हैं दो के करीब इसमें, और ये सारा है। एक्चुअली बाला फोर्ट में रेनोवेशन चल रही है, तो इसलिए यहाँ से मैं एक पॉइंट से दिखा रहा हूँ आपको जो कि आप देख रहे हैं मेन सिटी अलवर, बाला फोर्ट, सरिस्का रिजर्व। तो वहाँ पे आए हैं जी, ये बिल्कुल अरावली देखिए पर्वत और उसकी गोद में बसी हुई ये लेक जो कि सिल्ली सीढ़ के नाम से मशहूर है। तो ये सारे लोग इधर आए हैं जी देखने, तो बहुत फेमस लेक है सिल्ली सीढ़ लेक का नाम है जी। तो आप भी देखिए ये सारा है जी सिल्ली सीढ़ का एरिया। तो ये है जी सिल्ली सीढ़ की लेक जो कि ये बहुत ही सुंदर, ये आप देखेंगे बोटिंग वगैरह है। उधर एक पैलेस कम होटल है जी, उसके इधर 100 रुपये चार्जेस हैं जो एंट्री फीस है। वो पैलेस कम होटल है तो वहाँ तो हम जा नहीं रहे। ये यहाँ से आप झील देख सकते हैं, ये जी पुरानी झील है काफ़ी, तो अरावली पर्वत में श्रृंखलाओं में बनी हुई सिल्ली शेड करके है इसका नाम। ये आप देखेंगे बोटिंग वगैरह हो रही है, ओ ऊपर उधर एक
सिली शेड पैलेस कम होटल है। ये है जी सिली शेड लेक जो कि है अलवर में। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं बोटिंग वगैरह है। ये एक बोट है तो ये एक है। यहाँ से एक एंट्री फीस है, वहाँ एक ऊपर सिली शेड पैलेस कम होटल है जी, वहाँ भी जा सकते हैं अगर जाना हो। 100 रुपये उसकी फीस है, तो हम होटल वगैरह में तो जा नहीं रहे। पैलेस कम होटल है जी, उसमें अकेले पैलेस नहीं है, कुछ होटल कन्वर्ट किया हुआ। ये सारी है सिली शेड अलवर राजस्थान। तो राजस्थान बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ अलग अलग किले हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो ये सारा हमने घूमा। हम लास्ट पड़ाव में अलवर में थे। अलवर आपने देखा मेरे साथ, बाला फोर्ट है जहाँ पे रावली हिल में बड़ा हुआ, सिली शेड लेक है। तो ये सारा आपने देखा राजस्थान टूर में। तो ये सारा जी हम अलवर लास्ट हमारा था स्टॉप। ये सारा जितना भी राजस्थान है जी आप अलग अलग देखा आपने और समझा जाना। बहुत अच्छे लोग हैं जहाँ, बहुत ईमानदार शरीफ, और बहुत ही अच्छा कल्चर है, और बहुत अच्छा खाना है। स्पेशली केर सांगरी करके जो सब्जी आती है, राजस्थानी थाली है अलग अलग, और बाजरे की बेजड़ की रोटियां हैं, तो सब्जियां हैं अलग अलग। ये सारा बहुत ही अच्छा लगा, और लोगों के साथ मिल के बैठ के देख के समझ आया। बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं। तो राजस्थान ज़रूर आइए जी। हमारा ये लास्ट पड़ाव था अलवर। तो आपने देखा जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, हनुमानगढ़ गंगानगर से सारा देखते हुए अलवर में आए, और अलवर आपने देखा। तो शुक्रिया जी आपके कीमती समय के लिए। ऐसे ही बने रहिए फ्री सोल ओंकार मट्टू के साथ। हम आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग एरिए जी। तो ये ट्रैवल सीरीज़ थी राजस्थान की। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश और स्वस्थ रहें, और भगवान से प्रार्थना है याद रहें, आबाद रहें। तो ऐसे ही बने रहिए जी।